पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगशेर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो युवक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर भारी मात्रा में गांजा लेकर जिला मथुरा उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, जो कि कुछ ही देर में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर उजीना ड्रेन से होकर गुजरेंगे। सूचना मिलते ही उनकी टीम ने मौके पर नाकाबंदी शुरू कर दी और कुछ देर बाद उन्हें उक्त युवक मथुरा की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जो मौके पर पुलिस पार्टी को देख भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनकी पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव बाटी थाना चैत जिला मथुरा निवासी राहुल व दिनेश के रूप में हुई है और आरोपियों के कब्जे से दो प्लास्टिक के कट्टों व करीब 36 किलो 260 ग्राम गांजा पत्ती को बरामद किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। जो काले रंग की मोटरसाइकिल है उसके ऊपर गांजे की पत्ती लेकर यूपी से हरियाणा की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी टीम में जो जिसका नेतृत्व अनीस खान और उसके साथी कर रहे थे, यहाँ पे उजीना ट्रेन के सामने नाका लगाकर दोनों व्यक्तियों को काबू किया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के तलाशी ली। तलाशी लेने पर दोनों व्यक्तियों से 36 किलो और 260 ग्राम जो गांजा पत्ती है वो बरामद हुई है। सर कितनी कीमत का होगा? क्या क्या नाम है? इसे एक राहुल नाम है, एक दिनेश है, ये दोनों बाटी गाँव पड़ता है, थाना जैत जिला मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो कितनी कीमत का होगा? ऐसा है सर, लाखों रुपए इसकी कीमत है सर, 25,000 के करीब जो इनसे पूछताछ की थी, 25,000 रुपए किलो के करीब इनका बिकता है। तो किन धाराओं के तहत आपने मामला दर्ज किया? लेके जा रहे थे इसको बेचने के लिए। अभी सर हम आज इसको पेश करेंगे, पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिखा है हमने 5 दिन का, पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के दौरान इनसे हम गहनता से पूछताछ की। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? देखिए 2685 NDBS की धारा के तहत हमने मामला दर्ज किया है सर। तो सर ये कब से कर रहे काम, कुछ ऐसा बताए? देखिए नशे के ऊपर विशेषकर जो हमारा जो जिला में है सर, जो SP साहब हैं, SP साहब के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार इनके ऊपर दाबड़तोड़ जो हमला कर रही है, और इसी कड़ी में हमारी टीम ने कल इनको गिरफ्तार किया है सर। और अब तक करीब हमारी टीम ने इस साल में हमारा ये छठा सातवां पर्चा है NDPS का है, और पिछले साल भी काफ़ी भारी मात्रा में हमारी टीम ने NDPS का जो सामान था वो बरामद किया था। तो सर इन पूछताछ में उन्होंने ये नहीं बताया कब से काम कर रहे हैं, ये अभी सर सप्लाई करते हैं गांजे को? अभी सर हमने रात FIR दर्ज की थी और इनका डिस्क्लोजर लिखा है, और अभी इन्होंने कोई एक आदमी का नाम बताया है आगरा का है, उसे लेके आए थे, लेकिन आज जब रिमांड लेंगे पुलिस के। क्या कोई वाहन भी जब्त है इनके साथ? एक मोटरसाइकिल है सर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का लेने की। उपल नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।